हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। आज के हम इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके अंदर आपको स्पेशली बहुत जल्दी अर्निंग का सोर्स कैसे हासिल करना है उसके बारे में आपको बताऊंगा। देखिए, दुनिया में सबसे जो ज़्यादा जॉब्स होती हैं वो ऑड जॉब होती हैं, जिसके अंदर आपको आसानी से जॉब मिल जाती है और बहुत कम आपको क्वालिफिकेशन या ना के बराबर क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है। तो अभी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो जॉब प्रोवाइडर कंट्रीज़ हैं वो यूरोप के अंदर हैं। यूरोप अभी बहुत अच्छे तरीके से जॉब्स आपको काफ़ी टाइम से निकाल रहा है, और जिसमें पर्टिकुलर कुछ खास कंट्रीज़ हैं जैसे कि माल्टा। माल्टा इसलिए अच्छा है क्योंकि माल्टा का जो रेवेन्यू है मैक्सिमम वो टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री से ही आता है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल है। वहाँ का पेआउट बहुत अच्छा है, इंग्लिश कंट्री है, तो इसलिए वहाँ पर आपको रहने में सर्वाइव करने में आसानी होती है। मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि देखिए, वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट जाते हैं जो अदर कोर्सेज़ के अंदर जाते हैं, जिनको बाद में जाके बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। उसका रीज़न ये होता है कि वो अदर कोर्सेज़ में, जैसे कि वो कंप्यूटर कोर्स करने चले गए या कुछ दूसरा इस टाइप का इंडस्ट्रियल कोर्स करने चले गए, तो वहाँ पर उसकी इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है, इतनी वैल्यू नहीं है, इसलिए उनको बहुत कम सैलरी पर 5 यूरो 10 यूरो पर आर के हिसाब से उनको सैलरी मिलती है, तो वो बहुत स्ट्रगल करते हैं। उनकी TRC भी थोड़ा सा लेट हो जाती है आने के अंदर, तो जिसकी वजह से वो पार्ट टाइम जॉब नहीं कर पाते, एकोमोडेशन उनको डिफ़िकल्टीज आती हैं हासिल करने में। लेकिन अगर आपको सही गाइडेंस हो, सही आपको रास्ता पता हो, राइट टाइम पर आप राइट चीज़ कर रहे हो, तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा माइलेज मिलता है। तो जब आप जानते हैं कि वो कंट्री का रेवेन्यू सबसे ज़्यादा होटल इंडस्ट्रीज से या टूरिज्म इंडस्ट्री से आता है, तो आपको उस टाइप का कोर्स करने ही वहाँ जाना चाहिए, ताकि जब आपको वहाँ की इंडस्ट्री ट्रेंड करती है तो आपको बहुत आसानी से बहुत अच्छी जॉब पर वो लोग हायर करते हैं। तो जैसे डिप्लोमा इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, एक वहाँ पर डिप्लोमा होता है जो 1 साल का होता है, जिसके अंदर 2 मंथ्स आपको सिर्फ अपना एकेडमिक यानी आपको जो भी स्टडी होती है आपको वो करना होती है, बाकी 10 मंथ आपकी इंटर्नशिप होती है। कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी, आप देखिए कि आप 2 मंथ के अंदर अगर आपकी TRC बन जाती है, तो आप 2 मंथ के अंदर भी अपना पार्ट टाइम जॉब करके आप काम करके कुछ कमाई कर सकते हैं, और साथ में जब आपका इंटर्नशिप स्टार्ट हो तो उसके साथ भी आप पार्ट टाइम कर सकते हैं। तो इंटर्नशिप के अंदर क्या होता है, फुल टाइम जॉब ही होता है, लेकिन उसमें सैलरी थोड़ी सी कम होती है। नॉर्मली जो आप फुल आउट जो भी सैलरी आप करते हैं उसके अंदर, तो उसमें आपको 800 यूरो से लेकर 1200 यूरो के आसपास आपको सैलरी मिलती है, जो कि मेरे ख्याल में स्टार्टिंग में सफिशियंट होती है। आप उसके अंदर एक स्टूडेंट हैं तो आपको ये थोड़ा बहुत बेयर तो करना पड़ता है, और अपनी इंडियन करेंसी के अंदर ही करीब 1 लाख रुपए के आसपास होती है। आप जिस कंट्री में रहते हैं आप उस हिसाब से उस कंट्री की कैलकुलेशन देख लीजिए यूरो के अंदर करके, 800 यूरो से 1200 यूरो। पार्ट टाइम आप काम करते हैं तो पार्ट टाइम भी आपको जो है करीब करीब मान लीजिए 2000-3000 रुपये आप इंडियन करेंसी के हिसाब से पर डे वहाँ पर कमा सकते हैं। अगर आप सही जगह पर आपने मतलब जॉब की, अच्छे किसी ब्रांड के साथ आप काम कर रहे हैं, तो आपको पेआउट बड़ा अच्छा मिलता है। तो इसका ये जो ड्यूरेशन है 1 साल का है, इसके अलावा इसके अंदर आपको डॉक्यूमेंटेशन भी कुछ ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं चाहिए होते। आप इसके अंदर बिना किसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट के एंट्री कर सकते हैं, यानी कोई IELTS की, TOEFL की या किसी भी अदर कोर्सेज़ की आपको ज़रूरत नहीं है। आप सीधा अपना डॉक्यूमेंट अप्लाई कीजिए, मिनिमम 10th स्टैंडर्ड आपका होना चाहिए, 10th स्कूलिंग मतलब आपका होना चाहिए, और अगर आपके पास 12th है, ग्रेजुएट है, तो और अच्छी बात है। अगर नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसके अंदर कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपका 10th होना चाहिए, आपका पासपोर्ट होना चाहिए, पासपोर्ट का ट्रैवल हिस्ट्री है तो वो आपको मेंशन करना है, नहीं तो फ्रंट और बैक आपको वहाँ पर लगाना है। इसके अलावा आपका एक्सपीरियंस, अगर आपने किसी भी फील्ड में काम किया हुआ है तो आप एक्सपीरियंस अपना वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कम्प्लीटली। आपका एक पूरा रिज्यूम जिसके अंदर आपका बायोडाटा, इसमें आपका मैरिटल स्टेटस, आपका फैमिली बैकग्राउंड, जो भी फैमिली बैकग्राउंड से मतलब आपके सिबलिंग्स कितने हैं क्या है, सब आपका उसमें मेंशन, यानी प्रॉपर आपका बायोडाटा होना चाहिए उसके अंदर। और अगर आप मैरिटल स्टेटस आपका यस है नो है जो भी है, आप उसके अंदर मेंशन कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में फिर आपको आपके जितने भी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं, 10th से लेकर के ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएट तक आप उसके अंदर लगाइए, इन सबको आप अपोस्टाइल कीजिए, और अपोस्टाइल लगाने के बाद के अंदर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एक आपको इसके अंदर कवर लेटर्स बनाना हो, कवर लेटर बनाने के बाद आप इसको सीधा अप्लाई कर सकते हैं। इसके कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं पर्टिकुलरली, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं अगर आपको सही पसंद आए, और आप किसी कंसल्टेंट को हायर करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो आपको एक्चुअल में सही गाइडेंस स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड करवाते हैं। उसके बाद फिर आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको जब वीज़ा आता है, वीज़ा आने के बाद आपको जो भी उसकी फ़ीस होती है कॉलेज की, वो फ़ीस आपको पे करना होती है। नॉर्मली 5,500 यूरो के आसपास के अंदर होती है, तो 5,500 यूरो करीब करीब इंडियन करेंसी में 5 लाख के आसपास बनते हैं, तो आपको वो पे आउट करना होता है वहाँ पर डायरेक्टली। और जब आपकी फ़ीस कंसिडर हो जाती है, आपका वीज़ा आ जाता है, तो आप फ्लाइट लेके डायरेक्टली वहाँ जा सकते हैं। तो कुछ ऐसा नहीं है कि डिप्लोमा में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत जल्दी आप पहुँच जाते हैं, बहुत जल्दी आपकी कोचिंग स्टार्ट हो जाती है, आप पढ़ाई कर सकते हैं, पढ़ाई करने के बाद साथ साथ में आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं।
सकते हैं, जाती है TRC ज़रूर अप्लाई कीजिएगा ताकि आपको जल्दी जल्दी TRC मिल जाएगा। TRC एक टेम्प्रेरी रेसिडेंस कार्ड होता है जिसके अंदर वर्क परमिट होती है, तो ये वर्क परमिट स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, उनको तो अप्लाई करना ही चाहिए क्योंकि जब तक वो ये कार्ड नहीं आता वो जॉब नहीं कर सकते वहाँ पर। तो आप जाते ही सबसे पहले इसको अप्लाई कीजिए और सही आप जो है एक कंसल्टेंट हायर कीजिए ताकि आपको एक्चुअली में वो सारे डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको सपोर्ट कर सके। जितना अच्छा डॉक्यूमेंट्स होगा, जितना स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स होगा, उतना जल्दी TRC मिलने की संभावना होती है। तो आप ये सब काम करके यहाँ से जाएँ, वहाँ जाने के बाद आप जाते ही अपना जॉब स्टार्ट कर सकते हैं थोड़े टाइम बाद में, और उसके बाद जैसे आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट होगी तो आप इंटर्नशिप अपना कीजिएगा, साथ में आप जो है पार्ट टाइम भी कीजिएगा क्योंकि आप जा एक्चुअली में वहाँ पर कमाने के लिए रहे। तो ये बहुत अच्छा डिप्लोमा कोर्स है जो आपको सेटल करने में यूरोप के अंदर सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट करेगा, सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल आपके लिए ये चीज़ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। अगर इसके अलावा भी आपको डीपली डिटेल चाहिए तो नीचे मैंने एक फॉर्म दिया है, एक लिंक दिया है, उसको भरें, भर करके आप सबमिट करें, मेरी टीम आपसे संपर्क करेगी और जो भी सपोर्ट हम लोग आपके लिए कर सकते हैं हम आपके लिए करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।